अब जब मैं घर में घुसा ना तो चुपचाप मेरे पास आ रही थी। पता क्या किया इसने, सारे मसाले मिक्स कर दिए इसने, सारे मसाले मिक्स कर दिए। ऐसे कौन। तो गाइस एक बार फिर से हीट हो गई है बाइक और मैं बीच ट्रैफिक में खड़ा हूँ। जिम से पहले मेरा प्री वर्कआउट है। सुबह गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज का दिन स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि हाथ में जो दिक्कत है कल मैंने आपको दिखाया था। हाँ तेरे को भी लेकर चलूंगा, कह रही मुझे भी लेकर चलो। तो पहले जाएंगे डॉक्टर के पास, एक्सरा करवाना है, एक्सरा करवाते हैं उसके बाद दिखाएंगे एक्सरा। अरे बाबा आप खोलो तैयार, मैं आपको लेकर ही चलूंगा, आ रहा हूँ। तो एक्सरा करवाते हैं उसके बाद दिखाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट से कि क्या दिक्कत है। बाकी मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया दिया कि दिक्कत हो ही रही है, तो फिलहाल मिलते हैं सीधा डॉक्टर के पास। सो गाइस एक्सरे की तो मना कर दी है, पहले डॉक्टर को दिखाना है, अगर वो लिखेंगे तो ही एक्सरे होगा। और अभी मैं जब निकला तो मुझे सामने दिखा कर्तव्य वाला, बहुत दिनों में जो छोटे बच्चे कर्तव्य करते हैं ना वो सामने कर्तव्य कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ वो कितने प्यारे कर्तव्य हो रहे हैं यार, अमेजिंग है। अब जब मैं घर में घुसा ना तो चुपचाप मेरे पास आ रही थी जैसे कि मासूम हो, उसने कुछ किया ही ना हो। मैंने उससे पूछा क्या किया इसने, तो कुछ नहीं बोली। क्या हुआ? पता क्या किया इसने, देख ये मसालदानी है, इसने उतारी है और सारे मसाले मिक्स कर दिए इसने, सारे मसाले मिक्स कर दिए। ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है, मुझे कौन करता है ऐसे, आँख नाक में लग जाते तो ये तो भाई इसमें हल्दी, धनिया, नमक और जीरा, लाल मिर्च देख रहे हो इसमें भी, ये सारी है। नमक बच गया, तेरी हल्दी बच तो गई, हल्दी तो बची है और इसमें देखना धनिया पाउडर और वो जीरा और सब कर दिया लाल मिर्च, दो चीज बच गई बाकी खराब हो गई। और देखो कितने प्यार से बैठे ना, मोबाइल मिल गया होगा तेरे ना, कान पे चांटे आएंगे ना चार पाँच, छट छट छट, जब मानेगी तू है ना। माँ को आने दे, माँ की बताएंगे, माँ से पिटवाऊंगा तेरे को, क्यों क्या जब तो पुलिस बंदे की गोली चला देगी तो बहुत डेंजरस है भाई। तो फिलहाल चल रहे हैं भाई करोल बाग, वहाँ थोड़ा सा काम है उसको निपटा के वापस घर आते हैं फटाफट से। मनीष मेरा यहीं वेट कर रहा होगा या वो आने वाला होगा, वो खड़ा सामने नियॉन एलॉय व्हील, नियॉन इसके हेलमेट, यो अभी भी आया है, नंबर प्लेट ऐसे निकलते हैं बाइक वाले तो बिल्कुल क्लोज। अभी देखा कैसे गया ये, अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई यार पड़नी और बढ़िया वाली धूप पड़ रही है,
और मेरी बाइक हीट हो सकती है जमल जी, फैन चल गया तो नहीं होगी वरना हीट हो जाएगी, हीट हो गई तो यहीं बीच रोड में बंद हो जाएगी भाई, और फिर मुझे पैरों से धकेल के साइड करनी पड़ेगी। तो क्रॉस द फिंगर जल्दी से ट्रैफिक पार हो जाए और हवा लगे ठंडी ठंडी तो ये इंजन मेरा कूल हो जाएगा। मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले चल रहे हैं व्हील चेंज के लिए। अब पता नहीं दोनों कराएगा या पिछला कराएगा, देख लेते हैं। तो भाई एक ही मिशलिन का चूज किया है हमने टायर, जेके टायर फ्रंट में, फ्रंट में लग रहा है भाई टायर जेके वाला। ग्रिप काफ़ी अच्छी लग रही है अभी देखने में, बाकी चलाने में मालूम पड़ जाएगा। हम बन गए बस एक बार फिर से हीट हो गई है बाइक और मैं बीच ट्रैफिक में खड़ा हूँ और इसका कूलेंट हाई का वो आ गया है और ये बंद हो चुके हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ठंडा करने का। मनीष आगे खड़ा है मेरा वेट कर रहा है और अभी हमें एम्स के पास, इस वजह से आपको ज़्यादा एम्बुलेंस नज़र आ रही है। शाम के बज रहे हैं 7 और टाइम हो गया है जिम जाने का। पता है जिम से पहले मोनिका मेरे लिए क्या लाई खाने के लिए, दिखाऊँ? दिख रहे हैं आपको, कह रही है रसगुल्ले खा लो और चाय बना दो। बताओ जिम से पहले ये मेरा प्री वर्कआउट है भाई, एनर्जी तो बहुत देता है लेकिन फैट तो उससे ज़्यादा देगा। थोड़ा सा खा ही लेता हूँ आ गया तो भाई किसका मन मानता है मीठे को छोड़ने का। ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दो बाइट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। एक रसगुल्ला खाते हैं फिर जिम जाते हैं एक रसगुल्ला खाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा जिम में। जिम से आ गए भाई और अब टाइम है डिनर का, डिनर कर रहे हैं। डिनर में क्या है दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप कहोगे यार जिम जा रहा है और खा क्या रहा है। तो मिलते हैं आपसे डिनर करके।